हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, लूसेंट बुक के संविधान के सारे एमसीक्यूज कवर किए जा रहे हैं, तो यहाँ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। इससे पहले प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यूज कवर किए गए थे, प्लेलिस्ट में डाला है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। क्वेश्चन दो है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोनों है। तीसरा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नम्य व अनम्य दोनों है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन या राज्यों का संघ माना गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह सही है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह बताना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, तो यह भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। ए है, भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, यह सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, यह भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, यह भी सही है। दसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गाइस, इसका उपयुक्त सभी यह सही है। ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, यह भी सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह भी सही है। और ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, भारत का संविधान है एक तो यह कठोर कम और लचीला अधिक, यह है। बारहवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? यह संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक है, यह सही है। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि क्योंकि इनमें से सभी सही है। केवल ऑप्शन ए है, संसद को ऑप्शन ए है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है, यह सही है। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह आंसर होगा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। 7वां क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका आंसर होगा जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल है। 19वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान सबसे सर्वोच्च है। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहत होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष है। 24 क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता। 25 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ, इस शब्द को स्थान दिया गया है। 26 भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 सूचियां हैं। 27 क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत की जनता से प्राप्त करता है। 28वां क्वेश्चन है, भारत में द्वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान में है। 29 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। 30 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही हैं। पहला है संविधान सर्वोच्च है, यह सही है। दूसरा संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यह भी सही है। तीसरा है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, यह भी सही है। 31 क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, तो यह फ्रांस में जन्म लिया था। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। 33 क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है, तो भारतीय कथन ए में भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और इसका कारण दिया है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 34 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो इसका आंसर होगा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, यह सब सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यह सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजव्यवस्था में सर्वोच्च है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान। 38 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। 39 क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। 40 क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केसी वियर ने कहा था। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।